हेलो स्टूडेंट, मैं ऋषिकेश शिंदे आप सभी का वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम हैलोजन डेरिवेटिव्स ये क्लास 12 का यूनिट पढ़ रहे थे और हमने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर लिया है। हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने अभी तक सॉल्व किए हैं, तो आज अगले क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है क्योंकि जो क्वेश्चंस है आपको अप्रोच आना चाहिए, उस क्वेश्चन का अप्रोच क्या है, मतलब आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक कैसे जाना है, ये बेसिक चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो सभी को ध्यान देना है, अच्छे से अपना जो बुक है बुक और पेन लेके आपको साथ में बैठना है और करके देखना है मेरे साथ साथ, ठीक है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। अभी हम क्वेश्चन देख रहे थे कन्वर्ट द फॉलोइंग, हमारा जो क्वेश्चन था क्वेश्चन का नाम क्या था, कन्वर्ट द फॉलोइंग, हम कन्वर्ट करने वाले थे, है ना। अब हमें किन्हें कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट द फॉलोइंग ने हमने चार क्वेश्चन पहले कंप्लीट कर लिए है ना, तो आज हमें पांचवा क्वेश्चन देखना है। उसमें क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं, क्या कन्वर्ट करना है। देखिए फिफ्थ नंबर कर रहे हैं अभी हम, टू क्लोरोप्रोपेन, देखिए क्या करना है, टू क्लोरोप्रोपेन टू प्रोपेन वन ऑल, टू प्रोपेन वन ऑल, ये कन्वर्जन हमें करना है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, टू क्लोरोप्रोपेन। अभी मैं इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकाल लेता हूँ सबसे पहले। तो टू क्लोरोप्रोपेन देखिए यहाँ पे प्रॉप है, प्रॉप है मतलब एक दो तीन कार्बन, ठीक है। उसके बाद क्या है, दूसरे पे कौन है, क्लोरो, तो ये पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे पे कौन है, क्लोरो, हाइड्रोजन एडजस्ट कीजिए, यहाँ पे कितने हो गए तीन, यहाँ पे एक और यहाँ पे तीन, ये हो गया आपका टू क्लोरोप्रोपेन। नाम लिख लेता हूँ मैं इसका, यह है आपका टू क्लोरोप्रोपेन, क्लियर है सबको। अब करना क्या है आपको, आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए अभी सोचना है आपको, है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए, प्रोपेन वन ऑल, मतलब यहाँ पे आपको क्या समझना है, देखिए प्रॉप है मतलब तीन कार्बन है, एन है मतलब सिंगल बॉन्ड, और पहले पे क्या चाहिए आपको, ओएल, ओएल क्या इंडिकेट करता है, ओएल इंडिकेट करता है ओएच फंक्शनल ग्रुप, ओएल क्या इंडिकेट करता है, ओएच मतलब अल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है ओएल। तो आपको अल्कोहल कौन से पोजीशन पे चाहिए, तो अभी तो अल्कोहल आपको फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए। अगर आपने ये रिएक्शन आपको पता है अल्किल हैलाइड से, अगर आपको अल्कोहल बनाना है तो आप एक्वाइस KOH के साथ रिएक्शन करते हैं या एक्वाइस NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। फिर से एक बार, अगर आपको अल्किल हैलाइड से अल्कोहल चाहिए तो आप किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एक्वाइस KOH या एक्वाइस NaOH। लेकिन आपने अगर यहाँ पे एक्वाइस KOH ले लिया तो होगा क्या, तो जो आपका OH है ना, OH यहाँ पे आ जाएगा, मतलब दूसरी पोजिशन पे आएगा, ठीक है। आपको लेकिन OH कौन सी पोजीशन पे चाहिए, फर्स्ट पोजीशन पे चाहिए। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, ठीक है, तो ये बात आप सभी को ध्यान रखनी है। तो ये रिएक्शन आप डायरेक्ट डायरेक्ट कर नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, अगर आपने एक्वाइस KOH के साथ रिएक्शन कर दी तो जो OH है आपका वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैं करवा के दिखाता हूँ आपको, अगर आपने ऐसा किया होता, ठीक है, देखिए CH3 CH CH3 यहाँ पे Cl है और आपने रिएक्शन की होती KOH के साथ, एक्वाइस KOH, अगर एक्वाइस KOH तो यहाँ से K और यहाँ से Cl बाहर निकल जाता और आपका OH कहाँ पे आता, ये आपकी रिएक्शन हो जाती CH3 CH CH3 और यहाँ पे हो जाता OH, ठीक है, यहाँ पे हिट करते आप, ऐसी रिएक्शन करते थे। लेकिन ये क्या हुआ, देखिए दूसरे कार्बन पे OH है, आपको दूसरे कार्बन पे OH नहीं चाहिए, आपको पहले कार्बन पे क्या चाहिए, OH चाहिए, तो ऐसी रिएक्शन तो आप कर नहीं सकते। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए सबसे पहले अभी क्या क्या करता हूँ मैं, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया KOH, KOH ही लिया है, लेकिन कौन सा लिया है, अल्कोहलिक, कौन सा KOH लिया, अल्कोहलिक। अगर आपने अल्कोहलिक KOH लिया, ठीक है, अल्कोहलिक KOH के साथ हिट किया तो क्या होता है, तो आपको पता है अगर आपने अल्कोहलिक KOH लिया तो ये एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, जिसे ही हम कहते हैं डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन। तो आपको करना क्या है, डी मतलब निकालना है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हैलो मतलब हैलोजन, ठीक है। तो क्या होता है, एक कार्बन से हम हैलोजन निकालते हैं और उसका जो नज़दीकी कार्बन है उससे हम क्या निकालते हैं, हाइड्रोजन निकालते हैं। तो आप हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ हाइड्रोजन का जो नंबर है वो सेम है, 3, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से Cl निकाला, तो आपका प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, देखिए एक बार, आपका प्रोडक्ट होगा CH3 CH
CH2, ठीक है, यहां से मैंने Cl निकाला, यहां से हाइड्रोजन निकाला। तो अभी होगा क्या, ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड कम हुआ, ये जो कार्बन है इसका एक बॉन्ड कम हुआ, इसलिए ये क्या करेंगे यहां पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे, है ना। तो बनेगा क्या, तो तीन कार्बन है तो तीन कार्बन का होता है प्रॉप और डबल बॉन्ड है इसलिए क्या लिखते हैं Ne, और बाहर क्या निकलेगा के, क्या क्या बाहर निकलेगा देखिए, के और Cl क्या बनाएगा, KCl बनाएगा, ठीक है, प्लस और क्या बनेगा, तो यहाँ पे H और OH क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली स्टेप, रिएक्शन यहाँ पे खत्म नहीं हुई, आपको प्रोपेन वन ऑल बनाना है। तो प्रोपेन वन ऑल बनाने के लिए आपको, अगर ये हैलोजन पहले पोजीशन पे होता था तो डायरेक्ट आप एक्वाइस के OH लेके प्रोपेन वन ऑल बना सकते थे, ये बात क्लियर है क्या आपको। देखिए क्या कहा मैंने, तो अगर ये हैलोजन यहाँ पे होता था पहले पोजीशन पे तो आप यहाँ से KCl बाहर निकालते और आपका प्रोपेनॉल वन ऑल बन जाता, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अल्किन का फॉर्मेशन किया। अब आगे क्या करना है, तो अब मैं पूरी स्टेप यहाँ पे डिटेल में लिखता हूँ, ठीक है। ये तो हमारे काम की रिएक्शन नहीं है, तो कैसे करेंगे अभी देखिए। तो अब क्या करना है हमें, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोपीन है, ठीक है, प्रोपीन है हमारे, हमें क्या चाहिए, पहले पोजीशन पे हैलोजन चाहिए। अगर पहले पोजीशन पे हैलोजन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने रिएक्शन, इसकी जो रिएक्शन है, अगर मैंने इसकी रिएक्शन HBr के साथ कर दी इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, ऐसा अगर मैंने किया तो आप सभी को पता है यहाँ पे एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या लगता है, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। और एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल क्या कहता है, जो इसमें निगेटिव पार्ट है, ये निगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट है, तो निगेटिव पार्ट कहाँ जाता है, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में हाइड्रोजन की संख्या कहाँ ज़्यादा है, इसके पास, तो इसके पास कौन जाएगा, ये निगेटिव पार्ट। अगर ये नेगेटिव पार्ट इसके पास गया तो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, उसके बाद CH2, और इसके पास नेगेटिव पार्ट जाएगा, मतलब यहाँ पे कौन आएगा, Br आएगा, और पॉजिटिव पार्ट फिर इसके पास जाएगा, पॉजिटिव पार्ट कौन है, हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हो जाएगा CH2। क्लियर है सभी को यहाँ तक, तो ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। अगर आपने पेरोक्साइड ले लिया तो पहले पोजीशन पे हैलोजन आ गया। आप अब आपको पता है, अगर आपको प्रोपेन वन ऑल बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप क्या करना है आपको, फिर से यहां पे लिखता हूं मैं, क्या करेंगे आप, तो आप रिएक्शन करेंगे किसके साथ अभी, KOH, और KOH कैसा लेंगे, एक्वाइस, सभी को पता है अल्किल हैलाइड से अगर अल्कोहल बनाना है तो हम एक्वाइस जो KOH है उसका यूज करते हैं, इसके साथ हम इसे हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे तो प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, तो आप सभी को पता है क्या होता है, यहाँ से K और यहाँ से Br, मतलब KBr बाहर निकलेगा, ये OHBr को सब्स्टिट्यूट करता है और आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, CH3CH2CH2, यहाँ पे आएगा OH प्लस क्या बाहर निकलेगा, KBr। तो इसका नाम क्या, अभी देखिए OH पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, मतलब क्या हुआ नाम, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है इसलिए Ne। फिर क्या करते हैं हम, E निकाल देते हैं और पहले कार्बन पर OH है, OH है तो सफिक्स क्या होता है हमारा, OL, तो नाम हो गया आपका प्रोपेन वन ऑल। तो इस तरह से आपको ये रिएक्शन करनी है, सबको क्लियर है कैसे रिएक्शन करनी है। तो पहले आपको ये हैलोजन पहले पोजीशन पे चाहिए, अगर आपको हैलोजन की पोजीशन चेंज करनी है तो क्या ध्यान रखना है, देखिए अल्कोहल बनाने के लिए आपको हैलोजन की पोजीशन चेंज करनी है, तो हैलोजन की पोजीशन चेंज करने के लिए आपको सबसे पहले अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको पेरोक्साइड इफेक्ट, मतलब एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल लगा के आप हैलोजन की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। और अगर हैलोजन की पोजीशन चेंज हो गई, आपको जहां चाहिए वहां अगर मिल गई, तो आप एक्वाइस KOH के साथ रिएक्शन करके जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ में आया सबको, एकदम अच्छे से सोचना है, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी आपको अच्छे से ध्यान देना है ना, सोचना है, जब तक आप सोचेंगे नहीं तब तक आपका आंसर नहीं आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ना।
और जो अगर आप जेई के लिए, नीट के लिए, ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो इससे भी खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको सभी को अच्छे से डील करना आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 6 नंबर। देखिए क्या गिवन है हमें, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड को कन्वर्ट करना है हमें टू आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। ये कन्वर्जन आपको करना है, ठीक है। यहाँ पे कैसे करेंगे देखिए, पहले तो फॉर्मूला बना लीजिए किसका, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे बना लेता हूँ मैं, टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड कैसे बनाएंगे देखिए। टर्शरी मतलब ऐसा कार्बन जो कार्बन 3 कार्बन को अटैच होता है उसे हम टर्शरी कहते हैं, और ब्रोमाइड है तो ये टर्शरी हो गया, ब्यूट मतलब 4 कार्बन हो गए, अभी क्या लगाना है इसे, ब्रोमाइड मतलब क्या, Br हाइड्रोजन एडजस्ट करेंगे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 3 और यहाँ पे भी 3, ठीक है। ये हो गया आपका टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। इससे आपको बनाना क्या है, तो बनाना है आपको आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। क्या बनाना है, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। देखिए यहाँ पे भी ब्रोमाइड है, यहाँ पे भी ब्रोमाइड है, तो आपको करना क्या है, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड करना है। आइसो अगर बनाना है आपको तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आइसो में जो Br होता है ना वो प्राइमरी कार्बन को अटैच होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आइसो के लिए क्या ध्यान रखनी है आपको, दूसरे कार्बन पे एक CH3 ग्रुप मिथिल ग्रुप होता है और जो Br है ना वो प्राइमरी कार्बन को अटैच होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो Br है ना वो टर्शरी कार्बन को अटैच है। आपको उसे कहाँ चाहिए, आपको ये Br कहाँ चाहिए, प्राइमरी कार्बन पर चाहिए। मतलब आपको क्या करना है, इस Br की पोजीशन चेंज करनी है। तो मैंने आपको पहले ही सिखाया था, अगर आपको पोजीशन चेंज करनी है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, वो सबसे पहले अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करनी पड़ेगी, है ना, तब आपकी Br की पोजीशन हट सकती है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले मैं इसकी रिएक्शन करूँगा KOH के साथ, KOH कैसा लेना है, अल्कोहलिक KOH के साथ इसे हीट किया, तो होता क्या है, तो ये डीहाइड्रोहैलोजनेशन रिएक्शन होती है। मतलब क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, तो क्या करना है आपको, एक कार्बन से Br हटाना है, उसके बाजू के कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा सकते हैं, हाइड्रोजन आप यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, यहाँ से भी हटा सकते हैं, क्योंकि तीनों जगह तीन ही हाइड्रोजन है, तीनों सेम है, ठीक है। तो आपने समझिए यहाँ से हाइड्रोजन हटाया तो यहाँ पे CH2 बचेगा, वो CH2 मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ये CH2 बचा, ठीक है, क्लियर है। और निकलेगा क्या बाहर, के और Br क्या बनाएगा, के और Br बनाएगा KBr, और OH और यहाँ का H क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो अभी इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ है, इस कार्बन का एक बॉन्ड कम हुआ है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्लियर है। तो अभी क्या करना है आपको, फिर से सोचना है ना, आपको अभी हैलोजन एटम चाहिए, हैलोजन एटम कौन है आपका, ब्रोमाइड है, ये चाहिए आपको, लेकिन कहाँ पे चाहिए ये हैलोजन एटम, आपको कहाँ पे चाहिए, आइसो पे चाहिए, ठीक है, आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड। मतलब आपका हैलोजन एटम आपको प्राइमरी पोजीशन पे चाहिए, कौन सी पोजीशन पे चाहिए, प्राइमरी। तो यहाँ पे देखिए प्राइमरी कौन सा है, तो आप सभी को पता है ये कार्बन प्राइमरी है, ठीक है, ये कार्बन टर्शरी है, ठीक है, टर्शरी नहीं कह सकते, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, वैसे भी कह सकते हैं आप। देखिए आपको अच्छे से समझना है, अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो ये जो कार्बन है ये प्राइमरी होता और ये कार्बन टर्शरी होता, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, देखिए मैंने इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा दिया, ठीक है, सपोज मैंने इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करवा दिया तो क्या होगा, CH3 यहाँ पे CH2, तो आपको क्या चाहिए अभी देखिए, तो आपको सबसे पहले जो ब्रोमाइड है वो प्राइमरी पे चाहिए, ठीक है, प्राइमरी पे चाहिए। मतलब अगर आपने डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो ये कार्बन प्राइमरी हो गया, ये कार्बन क्या है अभी, ये कार्बन टर्शरी है, तो आपको यहाँ पे Br चाहिए, और यहाँ पे अगर Br चाहिए आपको, मतलब आपका जो निगेटिव पार्ट है वो आपको ऐसे कार्बन के पास चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। मतलब आप क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे पेरोक्साइड रखेंगे और रिएक्शन करेंगे HBr के साथ, ये रिएक्शन होगी अकॉर्डिंग टू
ये रिएक्शन क्या होगी अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोफ रूल, ठीक है। और एंटी मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है, जो इसमें निगेटिव पार्ट है वो किसके कौन से कार्बन के पास जाता है, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो यहाँ पे गया Br और पॉजिटिव पार्ट यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हाइड्रोजन। तो देखिए अभी ये आपका आइसो का फॉर्मेशन हो गया, पहला कार्बन दूसरा कार्बन, दूसरे कार्बन पे CH3 है और Br प्राइमरी कार्बन को अटैच है, अगर ऐसा है तो उसे हम आइसो कहते हैं। तो इसका नाम क्या हुआ, तो इसका नाम हो गया आइसो, आइसो चार कार्बन का ब्यूटिल और Br मतलब क्या होता है ब्रोमाइड। तो आपने आइसो ब्यूटिल ब्रोमाइड का फॉर्मेशन इस तरह से कर लिया, समझ में आया क्या करना है आपको। सबसे पहले तो आपको Br की पोजीशन चेंज करनी थी और पोजीशन चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं और बाद में हम HBr के साथ रिएक्शन करके पेरोक्साइड इफेक्ट लगा के आपने ये पोजीशन चेंज करवा दी। क्लियर है सबको, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब आप सभी क्वेश्चन एक साथ करेंगे ना, आपको करना क्या है, जो जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वो सभी चीज़ों को आपको एक साथ करना है ना। जब मेरे ये लेक्चर ख़त्म हो जाएंगे, दो लेक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा अभी ये यूनिट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जो जो मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवाए हैं आपको, वो सभी क्वेश्चन को आपको एक बार एक पेज पे लिख लेना है ना। पेज पे लिख लेने के बाद आपको प्रैक्टिस करके देखना है, खुद से वो क्वेश्चन पे से आंसर आपको निकाल के देखना है, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, है ना। जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे उतने अच्छी आइडिया आपकी क्लियर होगी। क्लियर है सबको, चलो स्क्रीनशॉट निकालो, अगला क्वेश्चन देखते हैं।